नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Realme 6i में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे ऐड करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। तो फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको ऐड फिंगर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। और आपने कोई पैटर्न लगा रखा है तो पैटर्न ड्रॉ कर देंगे अपना, तो ये आपका अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे साइड में जो फिंगर टच दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे फिंगर वन आपका फिंगर है, तो अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका डिलीट भी हो जाएगा। और आपको एक और फिंगर ऐड करनी है तो ऐड फिंगर पे आप क्लिक करेंगे और दूसरी वाली फिंगर टच करेंगे तो आपकी यहाँ पे दूसरी वाली फिंगर भी लग चुकी है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद इसको भी राउंड राउंड करके लगाएंगे, इसके बाद इसको भी कंटिन्यू कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी दोनों फिंगर ऐड हो चुकी है। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आप अपनी फिंगर को किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और ऐप लॉक पे क्लिक कर देंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन पे लॉक लगा हुआ है उस पर आप फिंगर का यूज़ करेंगे तो इससे भी आपकी एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी। और अब हम देख लेते हैं कि आपका फिंगर जो है लग चुका है या नहीं लगा है। तो इसको मैं लॉक कर दूंगी और अब अपनी फिंगर को यहाँ पे टच करूंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी जल्दी वर्क कर रहा है, यानी कि आपका फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली लग चुका है। तो इसी तरह की और भी सेटिंग्स पे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट करते रहिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।